तो राजकुमार भाई, ये अपने जो सिंपल वाले लूज फिटिंग वाले करवाते हैं और बकेट वाले, उसमें डिफरेंस बताओ एक बार। सर, बकेट फिटिंग का जो है सिलाई का फर्क होता है दोनों में। पहली बात तो कवर अलग अलग सिले जाते हैं। बकेट फिटिंग जैसे कंपनी वाली शेप होती है उसकी बनावट में बनती है, लूज फिटिंग के जो कवर होते हैं सीटों के साइज के बनाए जाते हैं सिर्फ, और उसमें जो है खांचे नहीं प्रॉपर बैठते। अच्छा, लूज फिटिंग वाले में खांचे नहीं बैठते। हाँ, और लूज फिटिंग और बकेट फिटिंग में अंतर ये, जैसे लूज फिटिंग में ये जॉइंट्स होते हैं जी, ये जॉइंट्स लूज फिटिंग में डीप में नहीं जाते हैं। आज हमारे पास है न्यू स्विफ्ट जिसके अंदर सीट कवर हुई फिटिंग होगी, और जो पुराने वाले थे उनको निकाल के नए वाले लगाए जाएंगे। पुराने वाले थोड़े रेड कलर में थे और फिटिंग भी लूज हो गई थी, तो इसलिए ब्लैक में करवाई गई है सीट कवर। सीट कवर का डिजाइन दिखाइए भाई, सीट कवर का डिजाइन दिखाइए भाई। ये पसंद किया है भाई ने सीट कवर प्योर लेदर में। भैया बता रहे थे कुछ इंपोर्टेड लेदर के बारे में, इसके बारे में इंपोर्टेड लेदर में जो अपने किया वाले डाल के देते हैं ना, किया सेल्टोस में, सेम वही है उसी कपड़े में। गर्मी में ज़्यादा इफेक्ट होता है इनमें, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती और ठंड में भी ठंड नहीं लगती। अपने हैप्पी भाई ने पसंद किए हैं, और एक बार भाई से पूछते हैं क्या फर्क रहता है इन सीट कवरों में। राजकुमार, कौन से कपड़े में भाई ये? इम्पोर्टेड लेदर। इम्पोर्टेड लेदर, क्या फर्क रहता है भाई इनमें? तो इस कपड़े की मोटाई ज़्यादा है। अच्छा। इसकी बैकिंग भी मजबूत है। Okay. और जो ये कपड़े घिस जाते हैं या पपड़ी बन जाती है वो है, इसमें शिकायत नहीं आती है। आप चाबी वगैरह कुछ भी रगड़ लेंगे, मतलब 5-4 साल में कहीं नहीं जाती है। लाइफ तो है ही इसकी, बाकी यूज करने में भी कंफर्टेबल है। जो अपना वो लगवाते हैं नापा लेदर, उनसे हैवी पड़ता ही है। नापा से तो हैवी है तो भाई, नापा और साखा जो लगाते हैं उनसे सबसे हैवी पड़ता ही है, और क्वालिटी भी थोड़ी मोटी है इसकी। बाकी भाई इधर की सीट की फिटिंग कर चुके हैं, तो कैसे लगाई जाती है भाई काटे, एक बार बता सकते हो? इस फिटिंग को बकेट फिटिंग बोलते हैं। बकेट फिटिंग, हाँ। एक तार कवरों में डलती है इस तरीके से, ये तार, और ये वाली जो तार है सीट में, जो अच्छा सीट की तार के अंदर एक और तार है, सीट के अंदर एक तार मोल्ड होती है ये इस तरीके से, देखो ये ऐसे क्लिप होता है। तो ये नहीं ना जैसे एक दो महीने के बाद फिटिंग लूज हो जाती है, वैसा कुछ इशू नहीं होता इसमें? नहीं नहीं सर, इसमें फिटिंग बिल्कुल जहाँ पे कर रहे हैं उसी जगह रहेगी, और बैठने पे और सेट होगी। कई बंदों की फिटिंग देखी है मैंने, थोड़ी लूज सी रहती है उनमें सर, या तो खिंचाई प्रॉपर नहीं होती या कवर का नाप प्रॉपर नहीं होता इसलिए लूज आता है, बाकी वैसे लूज होने का कोई मतलब नहीं होता। तो भाई ये देखो कपड़ा काफी मोटा है, अदर वैरायटी से, बाकी एक बार फिटिंग करने देते भाई को, उसके बाद का व्यू दिखाएंगे। ये पुराने वाले सीट कवरों को निकाल रहे हैं जिसमें कांटे लगे होते हैं, कांटों को निकाल के और पूरे कवर को उतारा जाएगा, उसके बाद इन कवरों की फिटिंग होगी इसके अंदर। सीट कवरों का काम भाई पूरा क्लियर हो चुका है, अभी देखो फिटिंग, कोई भी फिटिंग लूज नहीं है कहीं से भी, प्रॉपर एग्जैक्ट फिटिंग आ रखी है। और अभी एड्रेस्ट हुआ काम चल रहा है उस साइड, भाई एड्रेस्ट पे कपड़ा लगा रहे हैं, और ये सीट आगे वाली देखो भाई फिटिंग देखो एक बार। तो वह एक बार राजकुमार भैया से पूछेंगे जो अपने बकेट फिटिंग होती है और लूज फिटिंग होती है उसमें क्या अंतर होता है, तो भाई से बेटर तो हम क्या ही बताएंगे, उन्हीं से पूछेंगे कि क्या फ़र्क होता है बकेट में और सिंपल वाली में। तो राजकुमार भाई, ये अपने जो सिंपल वाले लूज फिटिंग वाले करवाते हैं और बकेट वाले, उसमें डिफरेंस बताओ एक बार। सर,
सर बकेट फिटिंग का जो है उसमें सिलाई का फर्क होता है दोनों में। पहली बात तो कवर अलग अलग सिले जाते हैं। बकेट फिटिंग जैसे कंपनी वाली शेप होती है उसकी बनावट में बनती है, लूज फिटिंग के जो कवर होते हैं सीटों के साइज के बनाए जाते हैं सिर्फ, और उसमें जो है खांचे नहीं प्रॉपर बैठते। अच्छा, लूज फिटिंग वाले में खांचे नहीं बैठते। हाँ, और लूज फिटिंग और बकेट फिटिंग में अंतर ये, जैसे लूज फिटिंग में ये जॉइंट्स होते हैं जी, ये जॉइंट्स लूज फिटिंग में डीप में नहीं जाते हैं। बकेट में जो ये जॉइंट्स हैं ये सारे खांचे डीप में जाते हैं, सिलाई के जोड़ जो हैं खड्डे में चले जाते हैं। अच्छा, मतलब जो अपने ये बकेट फिटिंग होती है इसमें ज़्यादा फिनिशिंग आती है उसके मुकाबले? हाँ, ऑब्वियस है, बकेट फिटिंग में ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है। बकायदे नॉर्मल में बेनिफिट नॉर्मल में ये होता है कि कंपनी वाली सीटें आपकी सेफ रहती हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो थोड़े से लूज हो जाते हैं। वो देखने में अच्छे नहीं लगते फिर। क्वालिटी के हिसाब से आप अच्छा कवर लोगे, ड्यूरेबल वो भी होता है, उसमें भी कोई कमी नहीं होती है, लेकिन उसमें जो है कंपनी वाली सीटों में सिलाई नहीं काटी जाती, फिटिंग का थोड़ा फ़र्क रहता है, कम्फर्ट का लेवल थोड़ा सा उसमें कम रहता है बकेट के मुकाबले। लाइफ लगभग दोनों की इक्वली रहती है, लेकिन बकेट थोड़ा उससे ज़्यादा चलता है। बकेट ज़्यादा चलता है उससे, लाइफ का फ़र्क है, और फिनिशिंग अच्छी रहती है। बकेट फिटिंग में एक बार कवर लगने के बाद अपनी जगह ले लेता है, सेट हो जाता है। अगर अच्छी क्वालिटी में आपने फिटिंग कराई है तो लाइफ कम से कम 4 से 5 साल की सीट कवरों की होती है, और जो लूज़ वाले कवर है वो भी 3-4 साल चल जाते हैं, अच्छी क्वालिटी और ज़्यादा भी चल सकते हैं, लेकिन कंफर्ट का फ़र्क रहता है। और वो कुछ रखने में भी फ़र्क होता है भाई, कोई कैसे रखता है अपनी गाड़ी, कोई कैसे रखता है। हाँ, वो तो जी आपने केयर करने के ऊपर है, लेकिन अब गाड़ियों की लाइफ थोड़ी सी कम हो गई है, 10 से 15 साल की लाइफ है। अगर आप अच्छा कवर लगवाते हो, 2 से 3 बार आपको कवर लगवाने हैं, तो 90% सर गाड़ियों में बकेट फिटिंग ही हो रही है। नॉर्मल फिटिंग आज से 8-10 साल पहले ज़्यादातर बिना बकेट ही कवर लगते थे, अब जो है कंपनी वाला फॉर्मेट भी फॉलो किया जा रहा है। उसमें बकेट फिटिंग में बेनिफिट ये मिलता है, एक तो आपका जैसे ओरिजिनल कंफर्ट है, जैसे कंपनी वालों ने जो लेवल बना के दिया है सीट का, एज इट इज़ वही रहता है, सिर्फ आपका कवर चेंज हो जाता है। अगर आपको लेदर टच चाहिए तो लेदर टच मिल जाता है, इसको स्किन फिट बोलते हैं, एकदम से जैसे आपकी बनावट कंपनी वाली है सेम वैसी हो। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भाई, अगर आपको भी अच्छे सीट कवर चाहिए तो हमारे रोल कार गैलरी के नाम से खरकोदा में, तो आप पे विजिट करिए, अच्छी तरह समझाया जाएगा आपको कौन से लगवाने चाहिए सीट कवर, कौन से नहीं, कौन से बेस्ट रहेंगे, तो सारा सब कुछ बताया जाएगा आपको। तो हमारा एड्रेस है दिल्ली रोड नियर सब्जी मंडी के पास में अपनी शॉप है रॉयल कार गैलरी के नाम से।